क्या बात है भाई, तुम दोनों यूं छुपते छुपाते कहाँ जा रहे थे? कोई नहीं जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे करण, आज तुम सारा वक्त प्रीता के घर पे थे ना? प्रीता, सच कहूँ पुत्र, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। एक्चुअली करण ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो तुम्हारी मम्मी जी की हेल्प करने जा रहा है। हेल्प? तुम तो वहां ये देखने आए थे कि मेरा रिश्ता किसके साथ फिक्स हो रहा है, ताकि उस लड़के में नुक्स निकालकर मेरा मजाक उड़ा सको। मॉम को इस रिश्ते वाली बात नहीं बताई। मैं श्योर थोड़ी ना था कि रिश्ता हो जाएगा। इतनी जल्दी कोई रिश्ता फाइनल करता है क्या? क्या बात हो गई, क्या सोच रहे हो तुम दोनों? कुछ भी नहीं। वैसे प्रीता, एक बात कहूं, मैं बहुत खुश हूं कि आज तुम हमारे घर आई हो। थैंक यू। और आप जनाब, क्या हालचाल? सनी बॉय, दर्द हो रहा है? मतलब तू तो अपने मम्मी जी से प्यार ही नहीं करता, मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता ना तू? अब ऐसा मैंने क्या कर दिया? आंटी बहुत अच्छा कर रहे हो, और कस के उसका कान खींचो। आपके बेटे को ना क्रिकेट के अलावा कुछ और ध्यान में ही नहीं आता है। He is very selfish. Mom, इसके सामने ना आप मेरे कान खींचना बंद करो, ये बात मुझे चिढ़ाती है बहुत। शर्लिन, क्या कर रही थी तुम? हाँ, क्या कर रही थी? बुआ, शर्लिन केक खाने वाली थी, बैठ चले। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? शर्लिन केक खा रही थी, मेरा मतलब केक खाने ही वाली थी। आंटी, शर्लिन ने तो करवा चौथ का फास्ट रखा है ना? ऋषभ जी ने मना भी किया कि फास्ट मत रखो, तबीयत खराब हो जाएगी, तोड़ दो। लेकिन शर्लिन ने कहा कि रीति रिवाज में इतना बिलीव करती है कि फास्ट नहीं तोड़े। तो फिर खाना ढूंढते हुए इस तरह किचन में क्यों आ गई? और केक खाने ही वाली थी वो, तो कुछ समझ में नहीं आया। शायद शर्लिन को भूख लगी होगी। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलूं तो क्या बोलूं तुझे? शर्लिन पुत्र, हमने तो तुझे फोर्स नहीं किया था ना करवा चौथ का व्रत रखने के लिए, फिर तूने इस तरह चोरी चोरी, आखिर क्यों? आखिर इस प्रीता ने मेरा सारा खेल खराब कर ही दिया सबके सामने। इसे तो मैं देख लूंगी, लेकिन इस वक्त क्या एक्सक्यूज बनाऊं? सॉरी आंटी, वो मैंने केक देखा और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैं टेम्प्ट हो गई। क्या जरूरत थी तुम्हें?